जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं उसको सोच के आपको अपने बचपन की याद ज़रूर आ जाएगी, आपको ये याद आ जाएगा कि हाँ हमने इसके साथ बहुत खेला था। वैसे तो आपने म्यूजियम कई देखे होंगे लेकिन ये जो म्यूजियम है ये अपने आप में बेहद ही खास है क्योंकि ये म्यूजियम है गुड़ियों का संग्रहालय जिसे जिसकी स्थापना की थी जिसके लिए सोचा था वो थे फेमस कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्ले जिन्होंने जिन्हें बहुत शौक था गुड़ियों का और जब भी वो जाते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ एक मीडिया का पूरा एक प्रतिनिधि मंडल जाता था जिसमें वो भी शामिल रहते थे और जब भी वो जाते थे तो अपने साथ एक गुड़िया ज़रूर लेकर आते थे और इस संग्रहालय में हम आपको जब लेकर चलेंगे तो ऐसी ही आपको अलग अलग गुड़िया दिखेंगी जो उन्हें पसंद थी और उसके बाद कैसे ये म्यूज़ियम बन गया। तो इस वक्त हम अंदर आ चुके हैं शंकर इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम में, वो म्यूजियम जहां पर गुड़ियाओं का संग्रह है, जहां पर आपको ढेरों गुड़िया देखने को मिलेगी, प्यारी प्यारी से गुड़िया देखने को मिलेंगी और उसे देखकर आपको अपना बचपन याद आ जाएगा जिसकी शुरुआत ही हमने आपको बताया था। ऐसी ही गुड़िया रहती थी जिनके साथ हम खेलते थे, जिनके लिए कपड़े बनाते थे और याद होगा कि जब हम बचपन में होते थे तो उनके कपड़ों का खास तौर से ख्याल रखते थे और इनके अगर आप कपड़े देखेंगे तो ऐसे ही दिखेंगे, कहीं किसी ने स्वेटर पहना है तो कहीं गुड़ियों की दो चोटी हुई है तो कहीं देखेंगे यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो है ये मिक्स गुड़िया है, यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की गुड़िया मिलेगी जिसके साथ आपने बचपन में खेला होगा। ये अपने आप में ही बहुत खास है क्योंकि यहाँ पर एक एक जो आप कपल देख रहे हैं गुड़िया गुड़िया गुड्डे गुड़िया का इन्होंने जो कॉस्ट्यूम पहना है ये बहुत अलग है और ये एक तरह से वहाँ की संस्कृति को वहाँ के पहनावे को दिखा रहा है कि वहाँ के लोग कैसे पहनावा पहनते थे और शायद उन्हें भी अगर अब वो यहाँ पर आए तो उन्हें भी याद नहीं होगा कि 1800 में कैसे कपड़े पहनते थे। ये देखिए ये 1800 से शुरुआत हुई है इसकी, इस तरीके के कपड़े पहने जाते थे यहाँ पर और उसके बाद आगे बढ़े तो देखिए कैप कैसी थी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए 1820 की अगर बात करें तो यहाँ पे भी कैसे चेंजेस होते गए, जो हैट थी वो कैसे बदलती गई ये देखिए। या गुड़िया नहीं है बल्कि यहाँ की संस्कृति यहाँ के पहनावे के बारे में भी बताने की कोशिश की गई है। ये देखिए 1990 में ये क्रिकेट हाथ में बैट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लोग आप जानते हैं कितनी तेज़ होते हैं क्रिकेट खेलने में, कितनी बार चैंपियन रह चुकी है ऑस्ट्रेलिया टीम, ये भी इस गुड्डा और जो गुड़िया है उसके ज़रिए बताने की कोशिश की गई है। मिक्स कलेक्शन मिलेगा यहाँ पर, विभिन्न विदेशी गुड़िया इसमें बताई गई हैं और अपने आप में ये सारी गुड़िया जो हैं वो खास हैं, ये पूरा जो वहाँ का जो संस्कृति है वो बताने की कोशिश की गई है क्योंकि यहाँ पर देशों में कैसे डांस होते थे ये देखिए, यहाँ पर देखिए स्कार्फ को कैसे बांधा गया है, इस गुड़िया ने कैसे बांधा है, तो स्पेन का जो कल्चर था स्पेन का जो डांस है वो दिखा रहे हैं। इन गुड़ियाओं को देखिए और उसके बाद आप इन डॉल्स को देखकर सोच रहे होंगे कि ये डॉल्स ही हैं या फिर कुछ और भी इसमें दिखाने की कोशिश है, तो ये देखिए ये ड्रेसअप तो आप देख ही लीजिए, इन डॉल्स के साथ ही साथ ये स्पेन का फ्लैमेंको डांस है और ये फ्लैमेंको डांसर्स हैं। बल्गारिया की गुड़िया है लेकिन ये अपने आप में बेहद खास है क्योंकि इनकी आँख देखिए कितनी अलग है, इनका ड्रेस देखिए कितना खास है और एक एक ड्रेस में कितनी बारीकी से इसको बनाया गया है। ये जो ड्रेसेस हैं ये ओरिजिनल ड्रेसेस हैं तो इसलिए ओरिजिनल रखा गया है क्योंकि लोग ये समझें कि पहले कैसे यहाँ पर ड्रेसेस होती थी और कैसे लोग इसे पहनते थे। तो यहाँ की गुड़ियों में हर कुछ खास है और कुछ क्या कुछ खास है उसकी डिटेल जानने के लिए हमारे साथ चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट के एडिटर हैं नवीन मैनन जी। नवीन मैनन जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे से खास शो में। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ की जो गुड़िया है अपने आप में हमने देखा बहुत खास है लेकिन और क्या उसके अगर हम डिटेल पर जाएँ तो क्या मकसद था इन प्यारी प्यारी गुड़िया का ये म्यूज़ियम बनाने के लिए। देखिए सबसे पहले तो यही है कि जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर एक सेक्शन जो आपने देखा वो है क्ले डॉल्स का, जो जो गुड़िया जिसे हम सब
खेल खेल के बड़े हुए हैं। और दूसरा मकसद है जो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम गुड़ियाँ यहाँ पर है वो कॉस्ट्यूम डॉल्स हैं, मतलब वेशभूषा उनकी अलग अलग देशों की, अलग अलग जगहों की, कपड़ों में उनकी ड्रेसेस की, उनकी ये बारे में सारी है जिससे बच्चों को जानकारी मिले, एजुकेशनल है और एंटरटेनमेंट वैल्यू है। तो इसमें कुछ कुछ मैं आपको जैसे हम मैं बताती हूँ आपको, एक गुड़िया है यहाँ पर जो आपको मैं दिखाना चाहूँगी, जो जिस गुड़िया की वजह से हमारा ये म्यूज़ियम का शुरुआत हुई। ये जो हमारी गुड़िया है ये हंगेरी की गुड़िया है। अच्छा, ये जो गुड़िया, ये मिस्टर हमारे जो संस्थापक थे मिस्टर शंकर, उनको ये गुड़िया गिफ्ट में एम्बेसी ने भेजी थी बच्चों को एक पुरस्कार देने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कंपटीशन होता था जिसमें बच्चे भाग लेते थे ड्राइंग का, लिखने का, तो उसमें प्राइजेस के लिए हम एम्बेसी से, क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन होता था तो उनसे हम बातचीत करते थे, तो उन्होंने उनमें से हंगेरी ने हमें ये वाली गुड़िया उनके एम्बेसडर ने हमारे शंकर साहब को गिफ्ट के, बच्चों के गिफ्ट के लिए भेजी थी। अच्छा। पर जैसे ही मिस्टर शंकर को ये डॉल मिली तो उनको इतनी पसंद आई, उनका मन इसमें ललचा गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये गुड़िया मैं अपने पास रख लेता हूँ, उन बच्चों को मैं कोई और प्राइज दे देता हूँ। अच्छा। अगर आप बुरा ना मनाए तो, हाँ। तो उनके जो वहाँ के जो एम्बेसडर थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको रखिए, हम आपको दूसरा प्राइज भेज देंगे। अच्छा। इसके बाद उनका यहाँ से उनका इंटरेस्ट ये गुड़िया अलग अलग देशों की गुड़िया में जागृत हो गया, और वो जहाँ जहाँ जाते थे, और क्योंकि वो पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ उनके साथ उनके पूरे ट्रूप के साथ उनको जगह जगह जाना पड़ता था। हाँ। तो वो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ से वो गुड़िया एक दो तीन जितनी भी उनको मतलब मिली होती थी वहाँ से वो खरीद के लाते थे। जहाँ जहाँ वो जाते थे गुड़िया को ट्रंक्स में लेके जाते थे और फिर वहाँ डिस्प्ले करते थे, फिर वापस पैक करते थे। उसकी वजह से क्या हुआ, कई गुड़िया टूटने में, हाँ, कुछ टूट गई, कुछ ख़राब हो गई। फिर जब हमारा ये हमें जगह मिली और ये हमने ये जगह चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट को मिली, तो ये बात हुई कि ये इसमें फिर हमने सोचा कि इंदिरा गांधी जी आई और उन्होंने कहा कि क्या हम इसको, आप ऐसे क्यों नहीं करते कि आपकी गुड़िया ख़राब हो रही है, तो क्यों ना आप एक एरिया इस बिल्डिंग में अलग कर दीजिए जिसपे हम एक गुड़ियों का संग्रहालय बना सकते हैं। और वहाँ से ये आइडिया शंकर साहब के मन में आया और ये जो भी गुड़िया थी, जो 500 गुड़िया से ये संग्रहालय शुरू हुआ, और आज करते करते इतने सालों में करीब 50 साल पुराना हो गया है हमारा म्यूज़ियम। आज हमारे पास करीब 6,500 से ज़्यादा गुड़िया रखी हो गई है और अलग अलग, और करीब 85 कंट्रीज़ की डॉल्स आपको यहाँ नज़र आते हैं। तो जैसे ये ग्रीस का है पूरा, ये ग्रीस का जो था, ये जब यहाँ के जो वो आए थे दूत आए थे यहाँ पर, तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था गुड़ियों का, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें हम आपको दोबारा भेजेंगे गुड़िया। तो उन्होंने वहाँ वापस जाकर पूरी गुड़िया अपनी ड्रेस पूरी कॉस्ट्यूम्स के साथ बनाकर और हमारे लिए स्पेशली ये बना के भिजवाई। अब हम जहाँ जा रहे हैं वो सबसे पुरानी डॉल है, और कितने साल पुरानी डॉल है उसके बारे में हम जानते हैं आपसे। ये स्विट्ज़रलैंड की हमारे यहाँ एक गुड़िया है, ये 1781 में ये गुड़िया बनाई गई थी, तो आप कह सकते हैं करीब करीब 250 साल पुरानी गुड़िया है ये यहाँ की, और ये सबसे पुरानी गुड़िया है, आप पूरी मतलब आप सोच सकते हैं। और ये जो है इसीलिए इसको हमने ऐसा सुला भी दिया है, तो जब बच्चे आते हैं तो बहुत उनको अच्छा लगता है कि ओल्ड है, इस वजह से वो अपने ग्रैंड मदर की तरह वो अपने बिस्तर पे सोई हुई है। अच्छा, इसके मेंटेनेंस में भी काफ़ी आपको दिक्कतें आती होंगी, कैसे इसकी रख रखाव करते हैं आप? इसका हर सोमवार को, क्योंकि म्यूज़ियम बंद रहते हैं तो तभी हमारा, और बड़ा ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि इनका जो है ये कॉस्ट्यूम सब ओरिजिनल कॉस्ट्यूम है, और अब इतने सालों के बाद 50 सालों के बाद इनका कॉस्ट्यूम भी हल्की हल्की वो ख़राब सी हो रही है, तो एक बहुत ही हल्का सॉफ्ट ब्रश के साथ
इसको हर सोमवार को हमारे यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो इस गुड़िया को साफ करते हैं बड़े ध्यान से, और ये इनको झाड़ा नहीं जाता है जैसे हम घर में डस्टिंग करते हैं, और एक गुड़िया को बहुत प्रेम से और उनका चेहरा और उनका पोशाक को हल्के हल्के ब्रश से साफ किया जाता है। अब आप देख रहे हैं जैसे पुरानी गुड़िया है हमारे पास जितनी भी, आप उनका कपड़ों में जो एम्ब्रॉयडरी है, आजकल जो आपको गुड़िया मिलेंगी उसमें आपको छापा मिलता है, और हमने यहाँ जो मेंटेन करी हुई है गुड़िया, ये सारी आप देख सकते हैं पुराने पुराने गुड़िया है, उनका कपड़े इतने पुराने हैं, तो ये मटीरियल आपको नहीं मिलता, क्योंकि अगर हम आज की तारीख में इन गुड़िया को रिस्टोर भी करना चाहेंगे तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी नहीं मिलेगी, ये कपड़ा नहीं मिलेगा, और ये जो गुड़िया बनी भी हुई हैं इनके चेहरे भी जो है आप देखेंगे सबके अलग अलग चेहरे हैं। आजकल देखेंगे तो आपको सब गुड़िया का फेस एक मिलेगा, पर यहाँ पर आप देखेंगे हर गुड़िया का फेस अलग है, तो ये इनमें एक डिफरेंस है, और उस कंट्री का कैसे चेहरा कैसा है, लोगों का जनरली फेस कैसा होता है, टीचर्स कैसे होते हैं और कपड़े कैसे पहनते हैं, ये सब बच्चों को देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं प्यूरिटो है, पनामा है। अब हम जिस सेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे, पहले ये देखिए यहाँ पर कैसा, और ग्वाटेमाला है, कोलंबिया है, तो जो हम 85 कंट्रीज़ की बात कर रहे थे उसमें ये सारी कंट्रीज शामिल हैं जिसमें अलग अलग इनको शामिल किया गया, इनके ड्रेसअप से लेकर हर कुछ, हैट से लेकर हर कुछ बिल्कुल अलग है। लेकिन आप ये जो खास डॉल देख रहे हैं इसके बारे में जानते हैं, ये मेक्सिको देश की है, और यहाँ ये जो हमें स्पेशल प्रेजेंटेशन हमको फर्स्ट लेडी आई थी वहाँ से, तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने ये प्रेजेंटेशन हमको हमारे को दिया था ये डॉल्स का। तो ये जो है ये आप पूरा उनके कल्चर, उनकी जो कंट्री का जो रहन सहन जैसा भी है वो पूरा उन्होंने बनाकर हमारे को एक सीन क्रिएट करके हमको भेजा था। जिस सेक्शन में आ गए हैं वो जापान का एक सेक्शन है जहाँ पर जापान के बारे में बताया गया है। ये अलग सेक्शन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं, गुड़िया तो है ही, इसके अंदर हमारे पास दो फेस्टिवल्स को भी दर्शाया हुआ है, और ये जो आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी गुड़िया जो है, ये जो छोटी छोटी गुड़िया आप देख रहे हैं ये उससे प्रेशर स्टोन से बनी हुई है, और ये सारी हाथ से बनी हुई है चीज़ें, और ये आजकल अब आपको नहीं मिलेंगी। अब इनका आप देखते हैं क्योंकि ये जो है बिल्कुल छोटी छोटी गुड़िया है बिल्कुल, और लेडीज़ जो थी उनकी जापान में वो अपने हाथ से बनाती थी, ये प्रेशर स्टोन से बनी थी। ये जापान के दो फेमस फेस्टिवल्स हैं, ये है बॉयज़ फेस्टिवल, और उधर को मैं आपको दिखाऊंगी वो एक गर्ल्स फेस्टिवल, जैसे हमारे यहाँ भारत में साउथ में कोलू फेस्टिवल डॉल्स का फेस्टिवल होता है जहाँ पर पूरा सजावट की जाती है दशहरे के टाइम, वैसे ही यहाँ पर ये बॉयज़ फेस्टिवल मनाया जाता है जापान में, तो इस हिसाब से वो अपनी गुड़िया पूरी सजाते हैं। इनका इनकी आप हैंडीक्राफ्ट, आप इनका क्राफ्ट देखिए, इनका कपड़ा देखिए। अच्छा, ये बहुत अलग है, इसका क्राफ्ट बिल्कुल अलग है। हाँ, ये अलग है, ये जापान की अलग अगेन एक फेमस है डॉल्स, जब उस टाइम में शुरू में बनती थी ऐसी डॉल्स, आजकल आपको नहीं मिलेंगी ये डॉल्स। बिल्कुल, आजकल आपको ऐसी डॉल्स कहीं नहीं मिलेंगी जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, और इसीलिए बच्चे जब यहाँ पर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, उसके बाद उसके जानने के लिए और उत्सुक होते हैं कि यहाँ पर ऐसी डॉल्स क्यों रखी गई हैं। अब हम जिस सेक्शन में आए हैं इसे देखकर आप खुद समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, या राम और सीता है तो ये इंडोनेशिया का, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सिमिलैरिटी होती है यहाँ के इंडिया और इंडोनेशिया के कल्चर में, जहाँ पर राम सीता जी को पूजा जाता है, और वहाँ पर कैसे उनकी संस्कृति है, कैसे वहाँ पर राम सीता को दिखाया गया है इसमें, और इनके भी आप ड्रेस देखेंगे तो अलग है। यहाँ पर ड्रॉल्स प्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडोनेशिया, जो इंडोनेशिया की जो पहली लेडी थी उन्होंने ये दिया था यहाँ पर,
क्वीन ऑफ थाईलैंड ने इसे दिया था. आप सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो देख सकते हैं, द सीन ऑफ रामायणा, कैरेक्टर्स ऑफ अ बैलेट, ये इनमें देखिए. ऐसे सीन्स होते थे जिसे आप देखते रहे टीवी पर, लेकिन ये कि म्यूजियम में कितने बखूबी, कितने प्यारे तरीके से इसे सजाया गया है, संभाल कर रखा. और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम आ चुके हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान के उस सेक्शन में. अब आप देखिए, पाकिस्तान को तो आप बखूबी जानते हैं, वहाँ का कल्चर भी आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन वहाँ की गुड़िया कैसी रहती थी, वहाँ का लुक, पहनावा कैसा रहता था. माथे पे भी देखिए यहाँ पर बिंदिया लगी हुई है बकायदा. यहाँ पर आप देखिए इस डॉल को. अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान के बाद, यानी कि पहले अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, नेपाल. अब पहुँच चुके हैं हम केरला, और केरला में क्या खास रहता है उसे देखकर तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं. ये हमारे केरला का अपना त्रिशूरपुरम फेस्टिवल है. आप देख सकते हैं कैसे हमारे ये एलिफेंट्स वहाँ पर, जितने भी जो हाथी हैं, कैसे उनको सजाया जाता है और कैसे उनका प्रोसेशन निकाला जाता है. और लेडीज़ देखो अपनी अपनी फाइनरीज में, अपनी कॉस्ट्यूम में, जो उनकी वहाँ केरला की जो मुंड है और वेष्टी है वो पहन के वो अपना मंदिर में से निकल रहे हैं और प्रोसेशन के लिए जा रहे हैं. बिल्कुल, ये देखिए केरला. फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे तो वहाँ पर का जो ये केरला का ये नृत्य है, डांस ड्रामा है, ये कथकली, ये उनकी गुड़िया है, उनके कॉस्ट्यूम्स हैं सारी और डांस की, और ये उसमें आप देख सकते हैं. हम शेर पंजाब, पंजाब में देखिए ये पटियाला सूट और ये चोटी बड़ी बड़ी, और कैसे वो लोग सजते हैं. करवा चौथ का पूरा ये देखिए, करवा चौथ कैसे मना पंजाब में. पहले कहा भी जाता था करवा चौथ की जो शुरुआत हुई सबसे ज़्यादा पंजाब में, इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. कर्नाटका, इनकी गुड़िया पे देखिए यहाँ पर लकड़ी का काम ज़्यादा होता है. अच्छा. तो वो देखिए सारी गुड़िया जो है ये लकड़ी की बनी हुई है यहाँ पर. ये गुड़िया जो है सारी ये हिलती है, सारे एक पीस वन पीस डॉल्स हैं ये सारे. अच्छा. और इनकी खासियत ये है कि इनके ये इनकी पूरी जो है आप देख रहे हैं जैसे कि ये पूरी इनकी तीनों थ्री डायमेंशन की हिलती है ये सारा. यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में ऐसा ही आप देखते हैं, वहाँ पे ठंड भी बहुत पड़ती है, लोग ऐसे ही कुछ रहते हैं वहाँ पर, उनका पहनावा भी ऐसा होता है. तो ये रहा जम्मू कश्मीर. धीरे धीरे हम अगले सेक्शन में बढ़ते हैं, सारे स्टेट्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी. यहाँ पर ये देखिए महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ऐसे ही आपको दिख जाएगा पूरा कल्चर, ऐसी साड़ी, ऐसा पहनावा होता है. अब हम जिस सेक्शन में खड़े हैं वो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था हैंडमेड है, और इंडिया के कल्चर को भी दिखा रही है, लेकिन इसे कैसे बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं. और नवीन मैम, ये यहीं पर बनाया जाता है, ये गुड़िया जो है हमारे ही संस्था में बनाई जाती है. इनकी खासियत ये है कि ये आप देखेंगे कि हर एक गुड़िया का चेहरा अलग है, और ये सबका, और ये जो इनकी काफ़ी हम रिसर्च करते हैं इनके कॉस्ट्यूम पर, इनकी ज्वेलरी के ऊपर, एक कपड़े के ऊपर, और उसके बाद ये जो इनका जो भी इनका खासियत है उस देश, तो उसको हम दर्शाने की कोशिश करते हैं. ये एक पूरा, ये हमारे जहाँ विदेशी लोग आते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि हम ये कैसे हम अपने आप में उसको लपेट सकते हैं. तो ये इसलिए हम ये गुड़िया बनाई बताने के लिए कि साड़ी कैसे पहनी जाती है. तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये बहुत खास चीज़ है कि हमारा इंडियन कल्चर क्या है. इंडियन कल्चर में साड़ी सबसे महत्वपूर्ण होती है, और जो बाहर से आते हैं उन्हें ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये साड़ी कैसे पहने, लेकिन इसे कैसे इसके जरिए दिखाया गया है ये देखिए. हर प्रांत का आपको एक औरत और एक आदमी किस तरह से उनकी ड्रेस है, ट्रेडिशनल जो ड्रेस है, ये आप इसमें हमने दिखाया है, ताकि लोग हर प्रांत का हमारे में जो विविधता है हमारे कल्चर में, उसको यहाँ पर दिखाया गया है. सब एक, पर फिर भी उस एकता में जो अनेकता है वो हमने अपनी गुड़ियों के थ्रू इसमें दिखाया है.